नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में। चालुक्य वंश का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। देखिए, जो चालुक्य थे ना, उन्होंने अलग अलग कई सारे शाखाओं से शासन किया था, जिनमें से प्रमुख थे बादामी के चालुक्य, जिसको हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, इनके अलावा कुछ और स्थानों से भी चालुक्यों ने शासन किया था। लेकिन दूसरों को जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बादामी के चालुक्य, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, इस वंश में कौन कौन से शासक हुए, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, सारा कुछ हम जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, कल्याणी के चालुक्य। देखिए, मैंने बताया था कि जो बादामी का जो चालुक्य वंश था, उसका अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन, जिसको कि उसके सामंत दंती दुर्ग ने अपदस्थ करके वहां पर एक नए राजवंश की स्थापना कर ली थी, राष्ट्रकूट नामक एक नए वंश की स्थापना कर दी थी। बादामी अथवा वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन को अपदस्थ करके। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ना, जिसका संस्थापक दंती दुर्ग था, इन्होंने चालुक्यों से सत्ता प्राप्त की थी, बादामी के चालुक्यों को हरा दिया, उनको जो है उनका अंत कर दिया और उनके राज्य में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। आगे चल करके इन राष्ट्रकूटों ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। फिर इस समय जो है, जब राष्ट्रकूट यहाँ शासन कर रहे थे, तो आसपास जो है चालुक्य दूसरी शाखाओं के माध्यम से शासन कर रहे थे। तो जो राष्ट्रकूट है, उनके यहाँ कुछ चालुक्य सामंत के रूप में शासन करते थे। ऐसा ही एक राष्ट्रकूट शासक का सामंत था तैलेय, जो कि चालुक्य था, वो जो है राष्ट्रकूटों का सामंत था। देखिए, पहले जो है राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे और राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों का अंत करके अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। लेकिन आगे चल करके राष्ट्रकूटों के ही एक चालुक्य सामंत ने राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया। तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक माना जाता है कर्क को। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी इसके बाद अगले वीडियो में। तो कर्क ये जो है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। तो इस समय जो है राष्ट्रकूटों का एक सामंत हुआ करता था तैलेय, जो कि चालुक्य था और खुद का संबंध बादामी के चालुक्यों से बताता था, मतलब कि बादामी के चालुक्यों से खुद का संबंध जोड़ता था तैलेय। ये जो है ना तैलेय द्वितीय था, इसका जो पिता था वो था प्रथम, तो ये जो है ना तैलेय द्वितीय था, इसको तैलेय द्वितीय भी कहा जाता है। तो इसने जो है राष्ट्रकूट वंश की, जब राष्ट्रकूट वंश उसकी स्थिति मतलब अच्छी नहीं थी, मतलब कि राष्ट्रकूट वंश की कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके तैलेय द्वितीय ने कर्क को अपदस्थ करके राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया और पुनः चालुक्य वंश की स्थापना की। और इस वंश को कहा गया कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि इन्होंने जो है लंबे समय तक कल्याणी को अपना केंद्र बनाकर शासन किया। लेकिन शुरुआत के कई वर्षों तक इन्होंने कल्याणी के चालुक्य शासकों ने मान्यखेट, जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेट, उसको राजधानी बना करके शासन किया था प्रारंभ में, मान्यखेट को। तो प्रारंभ में इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेट, जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। तो कल्याणी के चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी मान्यखेट, आगे चल करके कल्याणी को राजधानी बनाया जाता है। मैं बताऊंगा कौन सा शासक कल्याणी को राजधानी बनाएगा। तैलेय द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो तैलेय द्वितीय था ना, ये जब सामंत था, उस समय इसका जो वैवाहिक संबंध था राष्ट्रकूटों के साथ था, क्योंकि राष्ट्रकूटों का ये सामंत था, उनके अधीन था, तो काफी योग्य था। तो इस कारण से जो है राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी पुत्री का विवाह तैलेय द्वितीय से कर दिया था। राष्ट्रकूट शासक भामह, उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह तैलेय द्वितीय से कर दिया था। तैलेय द्वितीय बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। राष्ट्रकूटों की कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके उसने राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया और चालुक्य वंश की स्थापना की। उसके बाद राजगद्दी में बैठने के बाद इसने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चालू कर दिया, मतलब कि अपने राज्य के आसपास जो दूसरे छोटे छोटे राज्य रहे होंगे उनके ऊपर आक्रमण करना इसने शुरू कर दिया। तो इसने जो है बहुत सारे राज्यों को परास्त किया था, जैसे कि कुंतल के उत्तम चोल को परास्त किया था, मालवा के परमार राजा को परास्त किया था, मालवा के परमार राजा मुंज
मालवा में परमार वंश इस समय आ गया था, तो वहां का एक राजा था मुंज, उसको परास्त करता है, कुंतल के उत्तम चोल को परास्त करता है, कोकण को अपने अधीन कर लेता है, इसके अलावा और दूसरे छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू कर देता है। लेकिन तैलेय द्वितीय को गंग नरेश पंचाल को परास्त करने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो पंचाल है ना, गंग नरेश होता है, इसके साथ तैलेय द्वितीय का बहुत सारा युद्ध होता है, लेकिन तैलेय द्वितीय जो है पंचाल को परास्त नहीं कर पाता है। आखिरकार ये क्या करता है, तैलेय द्वितीय अपने एक सामंत वेलारी के सामंत, वेलारी एक स्थान है, वहाँ का एक सामंत गंगभूति देव के साथ मिल करके गंग नरेश पंचाल को परास्त कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। और जब ये गंग नरेश को परास्त कर देता है ना पंचाल को, तो उसके बाद उपाधि धारण करता है पांचाल मर्दन पंचानन। ये जो है गंग नरेश पंचाल को परास्त करने के बाद ये उपाधि धारण करता है। उसके बाद अगला चीज याद रखेंगे तैलेय द्वितीय के विषय में, कि जो कन्नड़ भाषा में जो कहानियां जो कथाएं प्रचलित हैं उसमें तैलेय द्वितीय को कृष्ण का अवतार बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है। जो अपना जो कन्नड़ भाषा में जो भी कहानियां कथाएं जो प्रचलित है, जो अक्सर मतलब सुनाया जाता होगा, तो उसमें जो है तैलेय द्वितीय को श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है। उसके बाद इसका पुत्र सत्याश्रय वो बना कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक। सत्याश्रय इसका शासन काल है 977 से 1008 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया था। ये भी जो है अपने पिता के समान ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसने भी अपने राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। इसने जो है उत्तरी कोकण के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जो कोकण का क्षेत्र था ना, उसमें अलग अलग लोग शासन करते थे। देखिए जो कोकण है ना, ये जो महाराष्ट्र से लगा हुआ जो समुद्र तटीय वाला जो भाग है ना, उसको कहा जाता है कोकण। तो वहां पर जो है उत्तर में कोई और शासन करता था, दक्षिण में कोई और शासन करता था, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो इसने जो है उत्तरी कोकण पर अधिकार कर लिया, गुर्जर नरेश चामुंड राय को परास्त किया। इसके समय में क्या हुआ था, मालवा के परमार राजा ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः प्राप्त किए। देखिए मैं पहले बताया कि जो तैलेय द्वितीय था, इसने जो है मालवा के परमार राजा मुंज उसको जो है परास्त किया और उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो सत्याश्रय के समय परमार राजा ने जो है सत्याश्रय के ऊपर आक्रमण किया और अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। मतलब कि सत्याश्रय के पिता तैलेय द्वितीय ने परमार राज्य से जो भी राज्य जीते थे, जो भी क्षेत्र जीते थे, उसको पुनः परमार राजा ने सत्याश्रय के समय उसको वापस प्राप्त कर लिया युद्ध करके। ये जो सत्याश्रय था ये जैन मतानुयायी था, मतलब कि ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था सत्याश्रय। याद रखेंगे ऐसे टाइप की चीजें पूछी जाती है। उसके बाद अगला शासक हुआ विक्रमादित्य पंचम। देखिए कुछ शासकों के आगे मैंने उनके जो कालक्रम है वो नहीं लिखा है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विक्रमादित्य पंचम, देखिए अभी तक जो है इसमें कोई विक्रमादित्य नहीं आया है, लेकिन जो चालुक्यों की जो अलग अलग शाखाएं थी ना, और ये लोग जो है पहले सामंत के रूप में शासन करते थे, तो उस समय कोई विक्रमादित्य आया रहा होगा, तो उस कारण से ये लोग जो है सीधा पंचम और भी दूसरे कई सारे राजा आएंगे इस टाइप से। तो विक्रमादित्य पंचम ये जो है सत्याश्रय के भाई का पुत्र था, मतलब कि सत्याश्रय का भतीजा था विक्रमादित्य पंचम। इसने भी जो है अपने पूर्वजों के समान अपने राज्य का विस्तार किया, बहुत सारे युद्ध लड़े। उसके बाद अगला शासक हुआ अचण द्वितीय। ये जो है विक्रमादित्य पंचम का भाई था अचण द्वितीय। ये जो है कुछ ही समय तक शासन करता है और ये जो है उतना योग्य नहीं था। आगे चल करके अचण द्वितीय के दूसरे भाई जयसिंह द्वितीय, उसने जो है अचण द्वितीय को अपदस्थ कर दिया और खुद राजा बन गया। मतलब कि विक्रमादित्य पंचम, अचण द्वितीय, जयसिंह द्वितीय तीनों भाई थे। पहले विक्रमादित्य पंचम ये राजा बनता है, उसके बाद अचण द्वितीय राजा बनता है, उसके बाद अचण द्वितीय को अपदस्थ करके जयसिंह द्वितीय कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक बनता है। और ये जो है 1015 से 1045 ईस्वी तक शासन करता है जयसिंह द्वितीय। के शासनकाल में परमार राजा भोज, कलचुरी शासक गंगेय देव और चोल शासक राजेंद्र चोल, इन तीनों ने संयुक्त रूप से जयसिंह द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर दिया। देखिए जो कल्याणी के जो चालुक्य थे ना, वो इन सभी शासकों के मध्य में थे। जो परमार राजा हो गए, कलचुरी शासक हो गए, वो लोग इनके उत्तर में थे और जो चोल शासक थे इनके दक्षिण में थे। तो ये लोग जो हैं बीच में थे कल्याणी के चालुक्य, और अपने चारों तरफ जो भी राज्य होते थे उनके ऊपर आक्रमण
जाते रहते थे। तो इससे तंग आकर के परमार राजा भोज, कलचुरी राजा गंगेय देव और चोल राजा राजेंद्र चोल, इन तीनों ने जो है संयुक्त रूप से जयसिंह द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन ये जो आक्रमण है जयसिंह द्वितीय इसको जो है रोक देता है, मतलब कि ये जो संयुक्त सेना थी अपने प्रयास में असफल हो जाती है। जयसिंह द्वितीय जो है इस आक्रमण को विफल कर देता है, मतलब कि अपने राज्य की सीमाओं को ये सुरक्षित रखने में कामयाब रहता है। उसके बाद अगला शासक हुआ सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम जो कि 1045 से 1068 के मध्य शासन करता है। इसके विषय में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि मैंने शुरू में बताया कि कल्याणी के चालुक्य वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी मान्यखेट, तो सोमेश्वर प्रथम ये क्या करता है, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी को मान्यखेट से स्थानांतरित करके कल्याणी में लाता है। तो कल्याणी को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, सोमेश्वर वर्मन प्रथम ने, याद रखें, सॉरी वर्मन नहीं है, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई थी। पहले कौन थी राजधानी, मान्यखेट। तो मान्यखेट से कल्याणी में राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है सोमेश्वर प्रथम को, और इसने जो है कल्याणी को बड़े सुंदर ढंग से स्थापित करवाया था, ऐसा कई सारे उस समय के ग्रंथों में कहा गया है। तो याद रखेंगे ये सब चीज। उसके बाद देखिए सोमेश्वर प्रथम के शासन काल में इसने, सोमेश्वर प्रथम ने परमार राजा भोज के ऊपर आक्रमण कर दिया, जो राजा भोज है ना परमार राजा, तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनकी राजधानी थी थार। थार है, थार थी ना परमार राजा भोज की राजधानी थार, तो थार को जो है अपने अधिकार में कर लेता है, मतलब कि परमार राजा भोज के ऊपर आक्रमण कर देता है, उसको परास्त कर देता है और उनकी राजधानी थार पर अधिकार कर लेता है सोमेश्वर प्रथम। देखिए सोमेश्वर प्रथम के शासन काल में जो चोल और चालुक्यों के मध्य जो संघर्ष चला आ रहा था, तो वो जो है इस समय भी चलता आ रहा है, मतलब कि इस समय भी चलता रहता है। और जो चोल शासक हैं वो सोमेश्वर प्रथम के ऊपर बहुत बार आक्रमण करते हैं और लगभग सभी युद्धों में सोमेश्वर प्रथम को हार का सामना करना पड़ता है। तो निरंतर युद्धों में ये लगा रहता है और निरंतर इसको हार का ही सामना करना पड़ता है। तो ये जो है निरंतर मिल रही हारों से कुंठित हो जाता है और नर्मदा नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, अगर कभी पूछा जाता है कि किस चालुक्य के शासक ने आत्महत्या की थी, तो सोमेश्वर प्रथम ने, जिसने कल्याणी को राजधानी बनाई थी। सोमेश्वर प्रथम के आत्महत्या कर लेने के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय ये बनता है चालुक्य वंश का शासक। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद इसका भाई विक्रमादित्य षष्ठ वो जो है इसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य षष्ठ वो जो है खुद राजा बनना चाहता है इसको हटा करके। तो विक्रमादित्य षष्ठ वो क्या करता है, अपने भाई के खिलाफ चोलों से मैत्री कर लेता है, चोलों से मित्रता कर लेता है, चोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है, और जो चोल है वो भी मतलब इससे कुछ चाहते होंगे। तो चोलों की सहायता से विक्रमादित्य षष्ठ जो है सोमेश्वर द्वितीय के राज्य अर्थात चालुक्यों के राज्य के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लेने में सफल हो जाता है। तो सोमेश्वर द्वितीय के समय जो है कल्याणी का जो चालुक्य राज्य था वो दो भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी क्षेत्र में सोमेश्वर द्वितीय शासन कर रहा होता है, कल्याणी उसकी राजधानी होती है, और दक्षिण वाले भाग में विक्रमादित्य षष्ठ शासन कर रहा होता है। लेकिन आगे चल करके विक्रमादित्य षष्ठ जो है सोमेश्वर द्वितीय को परास्त करने में सफल हो जाता है, इसको बंदी बना लेता है और संपूर्ण राज्य पर विक्रमादित्य षष्ठ का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद, मतलब कि सोमेश्वर प्रथम द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद सोमेश्वर द्वितीय राजा बनता है। आगे चल करके उसका भाई विक्रमादित्य षष्ठ उसको अपदस्थ करके, चोलों की सहायता से अपदस्थ करके खुद राजा बन जाता है। तो इसके बाद अगला शासक कौन होगा, विक्रमादित्य षष्ठ। शासन काल याद रखेंगे 1070 से 1126 तक। विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। ये जो है बहुत शक्तिशाली था, बड़ा ही योग्य शासक था, और इसने जो है अपने भाई को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की थी, और मतलब कि कई सारे युद्ध लड़े थे। पहले दक्षिण के क्षेत्र पर अधिकार किया, फिर पूरे राज्य पर अधिकार किया। तो इससे जो है इसकी जो कीर्ति है वो पूरे मतलब आसपास काफी फैल गई कि ये बड़ा शक्तिशाली शासक है, बड़ा पराक्रमी शासक है। तो इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा,
इसने जिस चोल शासक से सहायता मांगी थी ना, उसका नाम है वीर राजेंद्र। मतलब कि इसके समय का जो शासक था चोल शासक, वो था वीर राजेंद्र। इसके अलावा इसने कदंब के शासकों से भी सहायता मांगी थी। मतलब कि जब इसने अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया खुद राजा बनने के लिए, तब ये जो है चोलों के पास जाता है, उनसे मैत्रिता करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और उस समय चोल शासक कौन थे? वीर राजेंद्र। और साथ ही साथ दक्षिण में एक और राजवंश है कदंब, तो कदंब के शासकों से भी ये मित्रता कर लेता है अपने भाई के विरुद्ध, मतलब कि खुद राजा बनने के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जब ये अपना राज्याभिषेक करवाता है ना, क्योंकि देखिए 1070 से 1026 तक इसका शासनकाल है, लेकिन इस बीच जो है ये दक्षिण में भी शासन करता है, मतलब कि अपने राज्य के दक्षिणी भाग में शासन करता है, फिर पूरे राज्य पर अधिकार कर लेता है। तो जब पूरे राज्य पर अधिकार कर लेता होगा, तो उस समय जो है ये अपने राज्याभिषेक के समय एक नया संवत शुरू करता है, जिसको कहा जाता है चालुक्य संवत। सॉरी, यहाँ मैंने चालुक्य संवत लिखा, इसको चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है, बीच में विक्रम आएगा, चालुक्य विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1076 ईस्वी से। चालुक्य विक्रम संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा। तो इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि विक्रमादित्य षष्ठ, इसने सत्ता प्राप्त करने के लिए चोल शासकों से मित्रता की थी, जबकि पहले जो है चालुक्यों और चोलों के मध्य संघर्ष चल रहा था। दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, कभी चोल हावी होते थे तो कभी चालुक्य हावी होते थे। तो ये जो है मित्रता कर लेता है, लेकिन ये जो मित्रता है ना, लंबे समय तक नहीं चल पाती है। फिर से जो है जल्दी ही चालुक्यों और चोलों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। विक्रमादित्य षष्ठ ने चोल शासक वीर राजेंद्र के समय में कांची पर आक्रमण किया और आंध्र के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा इसने जो है कुलोत्तुंग चोल, उसके ऊपर भी आक्रमण किया था। ये भी जो है एक चोल शासक था, तो आगे चल करके इसने जो है कुलोत्तुंग चोल के ऊपर भी आक्रमण किया था। तो देखिए, पहले मित्रता किया और फिर उनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया। इसके अलावा इसने जो है अपने आसपास के दूसरे छोटे छोटे राज्यों के ऊपर भी आक्रमण करता था, मतलब कि दूसरे छोटे छोटे राज्यों को भी इसने विजित किया था। विक्रमादित्य षष्ठ ये जो है एक पराक्रमी शासक था, शौर्यवान शासक था। इसके अलावा ये जो है विद्वानों का संरक्षक भी था, मतलब कि अपने यहाँ कवियों, साहित्यकारों और दूसरे प्रकार के विद्वानों को संरक्षण दिया करता था। इसके समय में विल्हण, जो कि एक कश्मीरी विद्वान था, विल्हण ये जो है विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में रहा करता था। विल्हण इसका दरबारी कवि कह सकते हैं। तो याद रखना है, पूछा जाता है विल्हण जो कि एक कश्मीरी था, ये किसके दरबार में रहा करता था? विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में रहा करता था। और विल्हण ने एक ग्रंथ की रचना की थी, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है विल्हण के बारे में, विल्हण किस राजा के दरबार में रहता था, विल्हण ने किस ग्रंथ की रचना की, तो ध्यान रखना है। तो विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में विल्हण नामक कश्मीरी विद्वान रहा करता था, जिसने विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद इसके दरबार में एक अन्य विद्वान रहा करता था, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जो मिताक्षरा नामक ग्रंथ है ना, इसको हिंदू विधि का ग्रंथ माना जाता है। और ये जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है, जो पुराने समय की जो स्मृति ग्रंथ हुआ करते थे, दूसरे ग्रंथ हुआ करते थे, आगे चल करके उसमें जो है टीकाएं लिखी जाती थी। मतलब कि उसमें जो भी बातें लिखी गई है, कही गई है, उसको सरल तरीके से समझाने के लिए दूसरी पुस्तकें लिखी जाती थी। तो याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके ऊपर जो है विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी थी। तो विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। तो विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में दो विद्वान रहा करते थे, विल्हण जो कि कश्मीरी था और दूसरा विज्ञानेश्वर। तो इसके संबंध में बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। उसके बाद अगला शासक हुआ सोमेश्वर तृतीय, जो कि 1126 से 1138 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये जो सोमेश्वर तृतीय है, ये जो है बड़ा खुद विद्वान था और साथ ही साथ विद्वानों का संरक्षक भी था। जिस प्रकार से विक्रमादित्य षष्ठ ने विद्वानों को संरक्षण दिया था, वैसे ही सोमेश्वर तृतीय भी विद्वानों को संरक्षण देता था और साथ ही साथ खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था। इसने जो है एक ग्रंथ की रचना की थी, मानसोलास, याद रखेंगे, पूछा जाता है मानसोलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? सोमेश्वर तृतीय ने, मानसोलास।
खुद जो है विद्वान था और साथ ही साथ विद्वानों को संरक्षक भी देता था। तो मानसोलास नामक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। तो इस टाइप की चीजें पूछी जाती है अगर किसी राजा ने किसी ग्रंथ की रचना की है, कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो मतलब कि जो युद्ध करना है वो तो राजा का काम है ही, लेकिन उसके अलावा अगर कोई दूसरा काम करता है कोई शासक, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइप की चीजें जो है अक्सर पूछी जाती है। तो मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना सोमेश्वर तृतीय द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला शासक हुआ जगदेक मल्ल रिल। जगदेक मल्ल रिल जो कि 1138 से 1151 तक शासन करता है। इसके समय में जो है होयसल कदंब मालवा से संघर्ष हुआ, मतलब कि जगदेक मल्ल रिल इसके समय में चालुक्यों का संघर्ष होयसल शासकों के साथ हुआ, कदंब शासकों के साथ हुआ, मालवा शासकों के साथ हुआ। देखिए होयसल जो कि दक्षिण का एक राजवंश था, होयसल ये भी जो है इस समय तक आ गया था, होयसल, तो याद रखना है होयसल मालवा कदंब इनके साथ जो है चालुक्यों का संघर्ष हुआ जगदेक मल्ल रिल के समय में। उसके बाद अगला शासक हुआ तैलेय तृतीय। तैलेय तृतीय ये जो है बड़ा ही अयोग्य शासक था, दुर्बल शासक था, और इस चीज को जो है आसपास के शासक भी भलीभांति जानते थे। इसके समय में होयसल काकतीय यादव जो कि पहले शक्तिहीन हुआ करते थे चालुक्यों के सामने, और वो जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे और इनके विरुद्ध जो है सर उठाने लगे। पहले क्या होता था, ये जो बड़े बड़े राजवंश होते थे वो जो है छोटे छोटे राज्यों के ऊपर आक्रमण करते थे, लेकिन जो होयसल हो गए, काकतीय हो गए, यादव हो गए, ये लोग जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना चालू कर दिए और इनके विरुद्ध ही खड़े होने लगे। काकतीय शासकों ने तैलेय तृतीय को युद्ध में परास्त कर दिया और इसको बंदी बना लिया। काकतीय जो कि तेलंगाना क्षेत्र में शासन करते हैं, तो उन्होंने जो है तैलेय तृतीय को युद्ध में परास्त कर लिया और उसको बंदी बना लिया। लेकिन आगे चल करके दया भाव से प्रेरित होकर के काकतीय शासकों ने तैलेय तृतीय को मुक्त कर दिया। उसके बाद अगला शासक हुआ सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक हुआ। ये जो है सोमेश्वर चतुर्थ थोड़ा योग्य शासक था, इसने जो है अपने राज्य का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया, मतलब कि जो इस वंश की जो खोई प्रतिष्ठा है उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसके समय में क्या हुआ कि जो होयसल राजा था, होयसल राजा जिसका नाम था बल्लाल, होयसल राजा बल्लाल देव और काकतीय राजा रुद्र इन दोनों ने मिलकर जो है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसके राज्य पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से जो है कल्याणी के चालुक्य वंश का अंत हो गया। लगभग 1189 ईस्वी तक इनका जो है पूरी तरह से अंत हो गया। जो होयसल राजा था बल्लाल और काकतीय राजा रुद्र इन दोनों ने जो है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसके राज्य पर अधिकार कर लिया, इसको जो है अपदस्थ कर दिया और इनका जो है अंत हो गया कल्याणी के चालुक्य वंश का। तो इस प्रकार से 1200 ईस्वी तक कल्याणी के चालुक्यों का अंत हो गया। इनका अंत किनके द्वारा हुआ उसको याद रखना है, होयसल और काकतीय शासकों के द्वारा। तो आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में जाना, प्रारंभिक स्थिति और उनका अंत किस प्रकार से हुआ। अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि जो कल्याणी के चालुक्य थे उन्होंने राष्ट्रकूटों से सत्ता प्राप्त की थी, और राष्ट्रकूटों ने पहले बादामी के चालुक्यों से सत्ता प्राप्त की थी। तो बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के मध्य में इस क्षेत्र में राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। तो राष्ट्रकूट वो भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि उनके जो स्थापत्य कला थी, राष्ट्रकूटों की जो स्थापत्य कला थी वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।